रोशन किया रुकने आलम कुतबे आलम पूरे गौसुल आलमीन आसियारा दस्तगीरो रहनुमाए कामिलीन। मुल्तान कि जिसकी तारीख हजारों सालों पर मुहित है, मदीनतुल औलिया कहलाने वाला ये शहर सैकड़ों साल से औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, अकाबरीन, फुकरा और उलामा का मस्कन है। इन्हीं औलियाए कराम ने मुल्तान को कुफ्र के अंधेरों से निकाला और मुल्तान की गली गली इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो गई। इन औलियाए कराम के दरमियान कुतुब अल-अकताब शहनशाह विलायत हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का नाम उसी तरह है जैसा कि फूलों के दरमियान गुलाब। कुतुब अल-अकताब हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आलमीन हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते, जबकि हजरत शेख सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह अलैह के फरजंदे ज़ीवकार हैं। आपके मकबरा का गुंबद बैज़ा अहले मुल्तान के सरों पर दस्तार फजीलत की तरह साया फिगन है। ये आलीशान मकबरा मुल्तान के किला कोना कासिम बाग में वाकई है। ये किला 17 साला मुसलमान सिपासिलार मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मंसूब है। ये मकबरा तुगलक सलातीन के दौरे हुकूमत में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तामीर करवाया, जबकि इस मकबरा की तामीर 1320 सन ईस्वी से लेकर 1335 सन ईस्वी के दौरान तकरीबन 15 साल में मुकम्मल हुई। मकबरा शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह पुरशकोह होने के साथ साथ वकार, दबदबा, सलाबत और बुजुर्गाना जलाल का आईनादार है। ১৯৭০ की दिहाई से पहले ये आलीशान मकबरा हवादी से जमाना की वजह से जुबूहाली का शिकार था। बैरूनी हमला आवरों की पै दर पै जलगार से इस अजीम शान मकबरा की अपनी खूबसूरती गहना चुकी थी और फिर 1971 में महकमा औकाफ के शोभा दुरुस्त हाली की जेर निगरानी मुरम्मत का एक वसीय अरीज मनसूबा शुरू हुआ। माहिर असारे कदीमा ख्वाजा बशीर अहमद नक्शबंदी इस प्रोजेक्ट में बतौर सब इंजीनियर काम करते रहे और आगा खान अवार्ड ब्राय आर्किटेक्चर भी हासिल किया। ये मकबरा हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह जो है, इसकी काफ़ी खस्ता हालत थी और ये अंदरूनी इसकी हालत तो बिल्कुल ही ख़राब थी और ख़ासतौर पर नादरन दीवार जो काफ़ी डैमेज थी और उसकी वजह से ये ख़तरा हो चला था कि खुदा नखास्ता कहीं मज़ार को नुकसान ही ना हो। इस शिकस्ता मकबरा को वापस अपनी असल हालत में बहाल करना कोई आसान काम न था, मगर इस चैलेंज को उस वक्त के मारूफ माहिर आसारे कदीमा वली उल्लाह खान और उनकी टीम ने खुश दिली से कबूल किया और रास्ते में हायल तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वली उल्लाह खान साहब आसारे कदीमा में आसारे कदीमा आर्कियोलॉजी पाकिस्तान जो है वहाँ से वो तशरीफ लाए थे, उनको डिप्यूट किया गया और वो इंतहाई दयानतदार और अपने काम से पूरी तरह वाकिफ भी थे और दयानतदार भी थे और उनकी टीम जो थी उन्होंने इस तरह सेट की कि हर बंदा एक इंतहाई हार्ड वर्कर था और वो पूरी दिल जमी से पूरी टीम काम करती रही। इस तरीके से अल्लाह के फजल से ये काम पाया तकमील को पहुँचा। मकबरा की अंदरूनी हालत खासी दिगरगूं थी। इसकी बहाली के लिए पुरानी ईंटों की शक्ल और साइज़ के मुताबिक 13.5 लाख से जायद नई ईंटें तैयार करवाई गईं और मकबरा की तमाम बोसीदा लकड़ी को भी तब्दील कर दिया गया। ये तमाम काम
मार्च 1978 में पाया तकमील को पहुंचा। ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि ये मकबरा बरे सगीर में अपनी हम असर अमारात में अवलीन है। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का जो ये मकबरा है, ये इस शक्ल का कि नीचे से ऑक्टेगनल, फिर ऊपर उसके पहलू और उसके बाद फिर गुंबद की शक्ल, ये अवलीन है इस इलाके में। ये इमारत हश्त पहलू है और इसका कुतर 49 फुट और 3.5 इंच है। दीवारें अमूदी हैं जबकि फर्श से मकबरा की मुकम्मल ऊंचाई 100 फुट है, लेकिन एक टीला पर होने की वजह से मकबरा की मजमूई ऊंचाई सतह जमीन से 160 फुट बुलंद है। ये इमारत 3 मंजिला है। पहली मंजिल की ऊंचाई 41 फुट और 3 इंच है जबकि दीवारों की मोटाई 13 फुट 10 इंच से लेकर 14 फुट 8 इंच तक है। दीवारों के सहारे के लिए हर पहलू के कोने की पुश्त पर सतून तामीर किए गए हैं। ये सतून दीवारों से बाहर निकले हुए हैं और पहली मंजिल की ऊपरी मंडेर से बुलंद होकर छोटे गुंबद की शक्ल इख्तियार करते हैं। इन सतूनों की कुल लंबाई 53 फुट और 3 इंच है। पहली मंजिल नीचे से ऊपर तक आरायशी पट्टियों से मुजयन है जिसको 1970 की दिहाई में होने वाली मुरम्मत में दोबारा दुरुस्त शक्ल में बहाल किया गया। खुर्शीद अहमद इस मुरम्मत में बतौर कारीगर काम करते रहे और आज भी अपनी यादों को तस्वीर की शक्ल में महफूज रखे हुए हैं। वलीउल्लाह खान साहब की निगरानी में होता रहा है। वो सबसे पहले फोटोग्राफी उन्होंने करवाई। फोटोग्राफी इसलिए करवाई कि वो असल इमारत की में तब्दीली ना आए, वो पुरानी इसके साथ मैच करे। वो उसके बाद ईंटों के साइज़ बनवाए गए, मुख्तलिफ ईंटों के साइज़ लिए और उसके ईंटों के साइज़ बनवा के भट्ठे वालों को ऑर्डर दिया गया। उसके बाद ये मुरम्मत शुरू हुई। दूसरी मंजिल की ऊंचाई 25 फुट 10 इंच है। इस मंजिल के हर पहलू में एक कटावदार मेहराब वाली खिड़की है जो कि खश्ती और काशी के काम से मुजयन है। दोनों तरफ 4-4 खुशनुमा फूलदार काशी के डिज़ाइन हैं जिन्हें नोखानी और शमसा कहते हैं। इसके साथ ही बारीक टुकड़ों को जोड़कर नालीसार बनाया गया है जो कि बरे सगीर के मकाबिर में अपनी मिसाल आप है। तीसरी मंजिल एक खूबसूरत और दिलकश गुंबद पर मुश्तमिल है जो कि मीलों दूर से नज़र आता है। इस शानदार गुंबद पर सफ़ेद चूने का प्लस्तर हुआ है जबकि नीचे काशी और खश्तीकारी का उम्दा और लाजवाब काम देखने से ताल्लुक रखता है। मज़ार के अहाता में दाखिल हों तो सामने एक ड्यूड़ी अबूर करके मज़ार के अंदर दाखिल हुआ जाता है। मकबरा के अंदर एक खूबसूरत और नज़र अफरोज मंजर है जहां एक ऊंचे चबूतरे पर कुतुबुल आफताब हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह की मरकत मुबारक अकीदत मंदों और मुतवस्सिलीन के लिए मरजाए खलाइक है। इस मरकत के चार अतराफ एक खूबसूरत संगमरमर का कटहरा है जबकि कदमों में 4 कतारों में 58 कब्रें हैं जो कि मुरीदीन और खुलफा की हैं। मज़ार के अंदर दूसरी मंजिल की खिड़कियों से छन छन कर आने वाली रोशनी तपती धूप से बचाव का इजहार करती है और इस अजीम सूफी बुजुर्ग की आखिरी आरामगाह में एक अब्दी ठंडक और मुकद्दस सुकून के एहसास का जज्बा भी कार फरमा रहता है। मकबरा के अंदर लकड़ी के सतूनों का उम्दा और नफीस जाल बुना गया है जो कि इस इमारत की मजबूती का बाइस है। यही जाल इस इमारत को सैकड़ों सालों से जलजलों और बमबारियों से बचाए हुए है। लकड़ी का ये उम्दा ढांचा 32 सतूनों की बुनियाद पर कायम किया गया है जो कि नीचे से लेकर छत तक और दीवारों के अंदर आर पार होकर इस मकबरा का मुकम्मल अहाता किए हुए है।
مزار کے اندر مغربی جانب لکڑی کی خوبصورت محراب ہے جو کہ 11 فٹ اونچی اور 7 فٹ چوڑی ہے۔ یہ محراب عمدہ شیشم کی لکڑی سے تیار کی گئی ہے۔ اطراف میں 24 کنداکاری سے مکمل آیت الکرسی خط کوفی میں تحریر کی گئی ہے۔ لکڑی کا جو کام ہے وہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے کافی بوسیدہ تھا، اور خاص طور پہ اندر کی جو مغربی سائڈ پہ محراب ہے وہ کافی خستہ تھی، تو ہم نے اس کے ٹکڑے کچھ لے کر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فارسٹ جو ہے پشاور والے ان کو بھیجا، وہاں سے یہ ڈائگنوز ہوا کہ یہ شیشم کی لکڑی ہے۔ تو پھر ہم نے یہ پیروال جنگل میں سے جو گورنمنٹ کا جنگل ہے وہاں سے سیزنڈ وڈ جو ہے شیشم وڈ وہ منگوائی، اور پورے مزار کے اندر جہاں جہاں بھی ضرورت تھی، جہاں سے وہ خستہ تھی لکڑی وہاں لگائی، اور محراب میں بھی وہ ٹکڑے جو ہیں جہاں جہاں پرانے تھے اور وہ خستہ ہو چکے تھے ان کو بالکل اسی طرح پروینل بنا کر وہ لگایا گیا۔ مزار کے احاطہ میں ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جہاں سے 5 وقت اللہ اکبر کی صدایں بلند ہوتی ہیں اور اہل ایمان کو دعوت حق کی جانب بلایا جاتا ہے۔ یہ مسجد بھی خوبصورت سرخ باریک اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے، جبکہ کاشی کا عمدہ کام بھی اس کی زینت میں اضافہ کرتا ہے۔ ملتان کی تاریخی شناخت ایسے ہی اولیاء کرام کے خوبصورت مزارات سے ہے۔ یہ لوگ اسلام کی کندیلے راہ لے کر کریا کریا دعوت حق دیتے رہے، اور پھر اسرار و معارف کے یہی کشتگان عشق ملتان کی مٹی میں جا ملے، مگر ملتان کی گلیوں کو اسلام کی روشنی سے مزین کرنے والے ان اولیاء کرام کی خدمات کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور اس خطے میں اسلام کی عظمت کا سورج کبھی غروب نہ ہوگا۔ Yeah.